नर्जी, नर्जी, आप प्लीज, आप प्लीज अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं पूछती हूँ ये किसने किया है? किसने? करण पुत्र, आप प्लीज अपने रूम में जाओ। ओए मार मैर, ना बात घुमा मत। वो ये तो ऐसे कर रही है जैसे इसे पता ही ना हो कि सारा किया करा है ये करण का है। वंशी प्लीज, वो बच्चा है अभी। तो बच्चे अपने दिमाग से कुछ नहीं करते, उन्हें सिखाया जाता है। क्या कह रहे हो करण पुत्र? मैंने कहा ना आपको, प्लीज अंदर जाओ अपने रूम में। एक सेकंड, करण तो बच्चा है, और अगर गुस्से और बचपने में आके इसने मेरी फोटो खराब भी कर दी तो क्या आप भी बचपने में उतर आओगे? ओए तू चुप कर, रब ने वास्ते चुप कर, क्योंकि तुझे अपनी वोटी के अलावा आज की तारीख में किसी और पे यकीन है ही नहीं। ठीक है ना, खड़ा है तेरा मुंडा तेरे कोल। पूछ इससे कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, पूछ इससे कि क्या ये तस्वीर इसी ने खराब की है कि नहीं। और बोल। मिल गया सबूत और पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड। ओए पुत्र जी, इतने भोले भी ना बनो, वक्त है, अब भी संभल जा सरब। इस बिन ब्याही माँ को तूने सहारा दिया, इसको अपने बाप का नाम दिया, और बदले में प्लीज नहीं बता ना, बदले में क्या मिला है तुझे? जी, मेरा परिवार है इसलिए आप। ओ ना पुत्र ना, किसी और का खून अपना परिवार हो ही नहीं सकता। सॉरी वेखते हुण भी किवें घूर रहा मैनू, इहनू तां ताई जी। बस मेरे होते हुए मेरे बच्चों पे हाथ उठाना तो दूर, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता, इसलिए बस। डोंट टच मी करण, बहुत ही वधिया किता पुत्र, बहुत ही वधिया। ओ सुन लिया तूने, अब मेरा परिवार, मेरा बच्चा, ओ कान खोल के सुना तेरे पुत्र ने तुझसे क्या कहा है। ओए मार परचाई जी, अभी तो पता नहीं और क्या क्या सुनना बाकी है।
आवेखो आवेखो आवेख। तेरी मम्मी जी का तीर सीधा निशाने पे लगा है, इसे कहते हैं कुलवंत कौर से पंगा लेने वाले तेरा मुंह काला। वैसे मम्मी जी ये आइडिया भी सही है, ना तो आपने डायरेक्ट अटैक किया और नतीजा मन चाहा। आपका काम भी हो गया और आपका नाम भी नहीं आया। ओ, मैं तो उस ताई के कहर में अपना जहर खोल दी। सास बहू के बीच मैंने ऐसी गहरी खाई खोदनी है कि गिल मेंशन की बुनियाद हो जानी। सरब जी जी, अब ताई जी को कुछ नहीं कहेंगे तो क्या करूं मेहर जी, ऐसी बैठा रहूं। सरब जी जी, ताई जी पर गुस्सा होने से पहले हमें एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना चाहिए। जेल वाली बात से उन्हें कितना झटका लगा, उसके बाद उन्हें करण का सारा सच पता चल गया। उन्हें लगता है कि उस झूले की रस्सी मैंने काटी है, और फिर करण ने खुद उनके सामने कन्फेस किया कि वो फोटो उसने खराब करी थी। सरब जी जी, उनका गुस्सा बेवजह नहीं है, और अगर है भी तो हमें बड़ों के गुस्से का कोई जवाब नहीं देना। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी की साजिश या फिर एक सोचा समझा प्लान, कुछ तो गड़बड़ है महर जी। सरब जी जी, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ हो तो हम दुनिया की किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। मुझे पता है कि करण की बातों ने आपको को अंदर से तोड़ दिया है। बिल्कुल वैसा ही हाल मेरा भी है। आज ताई जी की बातें सुनकर मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितनी तकलीफ मुझे करण की बातें सुनकर हुई। उसे तो ये तक कह दिया कि मैं उसकी मम्मा ही नहीं। सरब जी जी, रब ना करे किसी भी माँ को अपने बेटे के मुंह से ये बात सुननी पड़े। मुझे करण की बहुत फिक्र हो रही है महर जी। आई थिंक अब हमारे पास एक ही रास्ता है। ओए ठहर जा ठहर जा। मेहर कौर गिल, बड़ा शौक है ना तुझे ममता की मूर्त बनने का। बस हुन तैयार हो जा, आज शाम को गिल मेंशन में ऐसा धमाका होना है कि करंट पहले लगेगा ते ताई दा विस्फोट बाद में होगा। ये होता कुलवंत कौर ढिलों से पंगा लेने का मत बन। अमृत कौरे, तूने ये तो देख लिया कि करण ने सरब की फोटो खराब की, लेकिन तुझे उस मासूम की तकलीफ नजर नहीं आई? ओए, तुझे ये नजर क्यों नहीं आ रहा? इतना बड़ा सच जानने के बाद उस मासूम के दिलो दिमाग पर कितनी गहरी चोट पहुंची होगी? नहीं नजर आ रहा है मुझे ये सब, बस मुझे इतना ही नजर आ रहा है कि उसकी माँ ने आपको जख्मी किया है, और इसका बदला तो मैं उस औरत से लेकर ही रहूंगी। हाँ, ओ, तेरी अकल घास चरने का ही है क्या? तूने फिर मेहर के साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब
एक बात ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती, हम जब से यहाँ पे आए ना आप हो कि मेरी साइड ही नहीं लेते हो जी। मैं सिर्फ सच का साथ देता हूँ अमृत कौरे, सही क्या है उसी की तरफदारी करता हूँ। आज आपको मैं गलत लग रही हूँ ना, ठीक है, लेकिन अगर कल को आपकी लाडली नूरानी गलत निकली तो। मैंने कहा ना अमृते, मैं सिर्फ सही की तरफदारी करता हूँ। कल को अगर मेहर गलत हुई और तू सही हुई तो मैं मेहर का नहीं तेरा साथ दूंगा, तेरी तरफदारी करूंगा। और हाँ, एक बात और, आज तू पूरा दिन मेरे पास ही बैठेगी। खबरदार जो तूने कहीं जाकर फिर कोई तमाशा किया तो। बच्चों के दिमाग पर अगर किसी चीज का बहुत बुरा असर पड़े तो या तो वो बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ केसेस में तो वायलेंट भी। डॉक्टर, एक वक्त था जब करण मेरे बगैर एक पल नहीं रहता था, कहानियां सुनाते थकता नहीं था, उसका पापा का उसका दोस्त ज्यादा था, मेरी बाजू को रोज तकिया बना के सोता था। आज हालात ऐसे हो गए कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इनफैक्ट आज भी हम अलग अलग गाड़ियों में आए हैं। डॉक्टर, करण 1 साल का था जब बदकिस्मती से मुझे उससे दूर रहना पड़ा 5 सालों के लिए। तब करण के लिए उसके मम्मा पापा दोनों ही सरबजी जी थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इन दोनों की। लेकिन अब पता नहीं अचानक उसके मन में इतना गुस्सा है, इतना दर्द है, इतनी नफरत है, यहां तक कि उसने हमारी फोटो में इनकी शक्ल भी खराब कर दी। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो करण को बार बार ये एहसास दिलवाता हो कि वो घर का नहीं है, सॉरी टू से पराया है? यस डॉक्टर, माय मॉम सी, आई मीन मेरी मासी जी, इनफैक्ट मेरी ताई जी, मेरी सिस्टर, करण की बुआ अरलीन। मॉम सी, ये तो अच्छा हुआ कि करण को सब सच सच पता चल गया, लेकिन ला कुड़िए, अब ये बीच में लेकिन कहां से आ गया? मौसी, मुझे सर्व के बारे में सोच सोच के बुरा लग रहा है, करण के इस बिहेवियर से कितना दुखी होगा वो। आहो हरलीन, दुखी तो बड़ा है। दारजी अब कैसे हैं? और ये रस्सी किसने काटी होगी? ओए, मैर ने, और किसने? और हमारा जो सर्व है ना, तेरा भरा, वो तो अपनी वोटी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। रब जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं मेहर से फोन पे बात करती हूँ। ठहर जा कुड़िये, अभी अभी आई है, थोड़ा पहले फ्रेशन अप हो जा। मैंने ना तेरे लिए कुछ स्पेशल मंगाया, एक मिनट रुक। मिस्टर एंड मिसेस गिल, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया, आपकी सिस्टर, ताई और मासी जी के बिहेवियर का इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये मुझसे भी बात नहीं कर रहा है, ही इज क्लियरली इन ट्रॉमा, और मुझे लगता है कि इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो ये हम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता। आई थिंक हमें करण की थेरेपी करनी पड़ेगी। पार्ची, तुसी थे? चल मेरे नाल। दारजी, तुसी इत्थे किवें? आई मीन तुहानू किहने दस्सिया गया सी? ऐ सवाल मैनू पुछना चाहिदा है तैनू, तू दस तू इत्थे की कर रहे? दारजी, एक्चुअली सी, ओए मेरे पोते को दिमागी बीमारी के डॉक्टर के पास लेकर आ गया तू?
दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? करण बीमार लगता है तुझे? नहीं दारजी, ऐसी कोई गल नहीं है। हम सबसे दूर करना चाहता है तू इस मासूम को? जैसे तो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और आपने आने की तकलीफ क्यों की? पहले आपके घुटने में इतना दर्द है और आप घुटनों का दर्द तो शायद ठीक हो जाएगा सरब, लेकिन तूने इस दिल पर जो दर्द दिया है उसका क्या करूं मैं? दारजी मैंने कहो प्लीज। अच्छा, तूने अपने दारजी का दिल बहुत दुखाया है। नहीं दारजी, क्या पता दारजी, दारजी मेरी बात सुनो दारजी। अच्छा ताई जी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। ताई जी तुसी भी ना, उस करण की वजह से खाने से नाराज क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा खाना खा लो तो अनु मेरी सौ लग गए। ओए दैट्स लाइक माय स्वीट स्वीट ताई जी। चलो हुन खाना फिनिश कर लो, उस तो बाद असी लॉन्च बैठ के ग्रीन टी पियांगे और बहुत सारी बातें। नहीं 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 हरलीन, तो तेरे कहने पे मैं खाना तो खा रही हूँ पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकलना। दारजी ने मुझे मना कर दिया बाहर जाने से, लेकिन अगर ये सब करके उस मेहर को लगता है ना कि वो अपनी चालाकियों में कामयाब हो जाएगी तो ये सब उसका पुलेखा है। किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। हाँ कम ऑन ताई जी, अब जब करण को सारा सच पता चल ही गया है और वो खुद को खुद ही इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता तो हमारा काम तो आसान हो गया ना। फिर आप टेंशन किस बात की ले रहे हो? ताई जी मुझे ना बस सरब की फिक्र हो रही है कि वो कितना परेशान होगा। तुसी खाना खा लो, मैं तुहाडे वास्ते खीर लेके आनी है। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ऐसे ना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होना है। आपको तो उस मेयर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दारजी, दारजी, दारजी मेरी गल सुनो प्लीज दारजी। दारजी, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। ओए कुछ नहीं होया मेरे शेर, तू बीमार नहीं है, बीमार तो ये लोग हैं जो तुझे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं। सरब और मेहर, आज मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि तुम लोग सरेआम अपनी परवरिश के मसलों की नुमाइश कर रहे हो। अगर तुम लोगों से नहीं संभल रहा था तो मुझसे बात करते, करण को मेरे पास लेकर आते, मैं समझाता उसे। इसे डॉक्टर के पास लेकर आने की क्या जरूरत थी? करण पुत्र तू जा, तू गड्डी जाके बैठ जा। दारजी जब हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जब हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ओए तू कहना क्या चाहती है? यही दारजी कि हम करण को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं काउंसलर के पास लेकर आए, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट। हाँ जी दारजी, मैडम जी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस समय करण के दिलो दिमाग में जो चल रहा है उसके लिए उसकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसे यहाँ लेकर आए। ओए ये सब नए जमाने के चोचले हैं, जेब में पैसे उछल रहे हो ना तो बंदा हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढता फिरता है। तुझे क्या लगता है कि हमारे जमाने में नहीं होते थे ये ड्रामे शो में? हुआ करते थे, लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे सलाह मशवरा करके सब कुछ सुलझा लिया करते थे, दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाया करते थे। और मेरे पुत्र जी, मुझे तो लगता था कि आप बड़ी समझदार हैं, पर आप भी इस खोते की बातों में आकर करण को यहाँ ले आई। दारजी आने दीजिए। मैं क्या कार चलो, और मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि मैंने परम और शहर के साथ मिलकर करण को खुश ना कर दिया ना तो मेरा भी ना सरदार भैंत सिंह गिल नहीं।